कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज के दिन, सरसों के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड आज के दिन देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सरसों के बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा ना होने की वजह से मार्केट आपको सुस्त देखने को मिल सकता है। सरसों के मार्केट में बहुत ज्यादा आज के दिन बढ़त के साथ कारोबार देखा नहीं गया है और जो मिल है यहाँ पर भी डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, बाजार बहुत ज्यादा डाउन नहीं है लेकिन मार्केट में आपको बहुत ज्यादा कारोबार भी अभी देखने को नहीं मिल सकता है। सरसों में आवक में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, इसी वजह से गिरावट जो है वो थम गई है लेकिन बाजार भी आगे के बाजार में तेजी भी रुक चुकी है। तेल डिमांड शून्य होने से ही बाजार रुक चुका है। 6025 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है जयपुर में अभी सरसों सीड का, दिल्ली का रेट 5925 है, बरवाला में कीमतें 5600 है, हिसार में रेट 5400, ग्वालियर का रेट 5600 है, मुरैना में कीमतें 5400 देखी जा रही है मस्टर्ड सीड में। इसके अलावा सरसों तेल एक्सप्लोर में कीमतें जयपुर में 1144 हैं, दिल्ली का रेट 1140 है, भरतपुर में रेट 1125 चल रहा है, कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1154 है, कोटा का रेट 1190 है, भरतपुर का रेट 1150 है। और इसके अलावा जो प्लांटों में आज रेट देखे जा रहे हैं यहाँ 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है, जिसमें सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज का रेट 6375 चल रहा है, जहाँ 25 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई। सलोनी डिग्रेड में कीमतें 6375 हैं जहाँ 25 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवर में रेट 6325 है जहां 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है और सलोनी कोटा में रेट 6300 रहा है जहां 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। गोयल कोटा में कीमतें 5800 देखी गई जहां 50 रुपए तक की गिरावट आई है। मार्केट में आवक के बारे में अगर बात करते हैं तो आवक भी बाजारों में काफी हद तक सरसों सीड की घट चुकी है और जो अभी आवक हो रही है वो टोटल 2,65,000 बोरियों की हुई है। 3,25,000 बोरी की आवक से घट कर डायरेक्टली 2,65,000 बोरी की आवक हुई है, जिसमें से राजस्थान में 1,80,000, मध्य प्रदेश में 45,000, गुजरात में 10,000 और उत्तर प्रदेश में 45,000 बोरी की आवक हुई है सरसों सीड की। खलों में भी जो दाम है, जो सरसों खल के दाम है, यहाँ पर भी गिरावट दर्ज करी गई है, जिसमें 2,585 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है जयपुर में सरसों खल में। अलवर में कीमतें 2,575 हैं, भरतपुर का रेट 2,650 है, कोटा में कीमतें 2,500 चल रही हैं। मार्केट में ओवरऑल आज के दिन जो कारोबार देखा गया है मस्टर्ड सीड के बाजार में, मस्टर्ड ऑयल के बाजार में और खल के बाजार में, इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी ना होने की वजह से इन दिनों बहुत ज्यादा तेजी फिलहाल के लिए मार्केट में बनी हुई नहीं है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।